भारत वेस्ट इंडीज के बीच खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हो गई है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के दूसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। हालांकि मैच हारने के बाद भी कप्तान विराट कोहली T20 मैच में सबसे अधिक रन मामले में दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट ने अपने हमवतन रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर शीर्ष बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले मैच में लैंडल सिमंस और 67 रन की धमाकेदार पारी और एवन लुइस ने 40 व निकोलस पुरन की 38 रन की बदौलत वेस्टइंडीज ने जीत कर सीरीज में बराबरी कर ली है। सीरीज का अंतिम मैच 11 दिसंबर को खेला जाएगा। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 170 रन बनाए। भारतीय टीम की ओर से सबसे अधिक रन शिवम दुबे ने बनाए। उन्होंने 30 गेंद पर 54 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 33, विराट कोहली ने 19 और रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से मैच जीत लिया। हालांकि मैच के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली रन बनाने के मामले में अपने हमवतन रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं। मैच के दौरान कप्तान कोहली ने 17 गेंदों में 19 और रोहित शर्मा ने 18 गेंदों में 15 रन बनाए। इस सीरीज के शुरू होने से पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 90 रन की दूरी थी। रोहित इस अंतर से आगे थे। सीरीज के पहले मैच में रोहित ने 8 रन ही बनाए और विराट ने 94 रन की पारी खेली। इस तरह दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 3 रन का अंतर रह गया। वहीं दूसरे मैच में रोहित शर्मा फिर फ्लॉप रहे और वह सिर्फ 15 रन ही बना सके, जबकि विराट कोहली 19 रन लेते ही T20 क्रिकेट में दुनिया में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 74 T20 मैच में 2563 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम अब 103 मैचों में 2562 रन दर्ज है। ये अंतर इतना कम है कि रोहित शर्मा के पास अगले मैच में एक बार फिर टॉप पर पहुंचने का मौका रहेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।